एक व्यापारी ने अपना माल लागत मूल्य के बराबर लाभ प्रतिशत पर 171 रुपए में बेचा। लागत मूल्य क्या था, फाइंड आउट कीजिए। ठीक है, तो हमें क्या दिया हुआ है, सेलिंग प्राइस कितना है, 171, यानी सीपी पर हमें कुछ प्रॉफिट हुआ और हमें सेलिंग प्राइस गिवन है। सेलिंग प्राइस है 171। मैं मान लेता हूं कॉस्ट प्राइस मेरा एक्स है, एक्स है, तो जितना कॉस्ट प्राइस है उतना परसेंट हमें क्या हुआ है, प्रॉफिट। प्रॉफिट क्या हो गया, एक्स परसेंट, ये गिवन है। कहां पे दिया हुआ है कि लागत मूल्य के बराबर लाभ प्रतिशत, ठीक है ना। तो प्रॉफिट की वैल्यू कितनी है, एक्स परसेंट। हमें पता है कॉस्ट प्राइस प्लस प्रॉफिट किसके इक्वल होता है, सेलिंग प्राइस के। ठीक है, तो पी की वैल्यू निकालेंगे, पी किसके इक्वल है, कॉस्ट प्राइस यानी एक्स का एक्स परसेंट। तो परसेंट हटाएंगे तो 100 डिनोमिनेटर में आ जाएगा, पी की वैल्यू क्या आ जाएगी, एक्स स्क्वेयर बाय 100। ठीक है, तो पी की वैल्यू इस इक्वेशन में पुट करेंगे तो एक्स प्लस एक्स स्क्वेयर बाय 100, और एसपी सेलिंग प्राइस की वैल्यू कितनी है, 171। ठीक है, ये हमारे पास आ गई इक्वेशन। अब हम क्या करते हैं, हीट एंड ट्रायल मेथड का यूज करके क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। हम ऑप्शन से उठाते हैं आसान वैल्यू 70 और 90, ठीक है ना। सबसे पहले मैं 70 उठाता हूँ, 70 को मैं इस इक्वेशन में पुट करूंगा, तो एक्स की वैल्यू मैंने 70 रखी, तो यहाँ 70, और एक्स स्क्वेयर की जगह मैं रखूंगा 70 का स्क्वेयर यानी 4900। डिनोमिनेटर में क्या है, 100, और किसके इक्वल है, 171 के। दो जीरो से दो जीरो कैंसिल, 70 और 49 कितने होते हैं, 119, जो 171 के इक्वल नहीं है। ठीक है, तो हमारा बी ऑप्शन सही नहीं है। ठीक है, अब मैं 90 रख के देखता हूं, तो 90 रखा एक्स की जगह, प्लस 90 का स्क्वेयर यानी 8100, डिनोमिनेटर में क्या है, 100 इज इक्वल टू 171। अब दो जीरो से दो जीरो कट जाएंगी, 81 और 90 कितने होते हैं, 171, जो राइट हैंड साइड के इक्वल है। तो मतलब जो 90 है वो हमारा सही आंसर है।